नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन के बाद अब उनकी बड़ी बहन समीम का भी निधन हो गया है। बता दें कि आप खबरें ये मिल रही थी कि वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और आज उनका निधन हो गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत का गम अभी थमा भी नहीं था कि उनकी बहन के इंतकाल की खबर आ गई। शहाबुद्दीन की बड़ी बहन समीम का लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा था। शहाबुद्दीन के परिवार अभी सिवान पहुंचा ही था कि उनके मरने की खबर आई। जैसे कि मालूम है कि 1 मई को शहाबुद्दीन की मौत हुई थी। उनके निधन के 3 दिन बाद उन्हें दिल्ली गेस्ट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। हालांकि उनके परिजन और समर्थक उनका अंतिम संस्कार करने उनके गांव सिवान में करना चाहते थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर उनको दिल्ली में ही दफन कर दिया गया। इससे बिहार के मुसलमान खास नाराज हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि शहाबुद्दीन का जानबूझकर सही से इलाज नहीं किया गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। राजद से भी लोग खासे नाराज हैं, जिसके चलते बिहार और झारखंड के कई नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उनको ये भी आरोप है कि जिस लालू राजद परिवार के लिए शहाबुद्दीन ने अपना जीवन गंवा दिया, वो इनके जनाजे तक में नहीं पहुंचे। शहाबुद्दीन के मौत से अभी उनके परिजन उभरे भी नहीं थे कि अब दूसरी खबर निकल के आ गई कि उनकी बड़ी बहन जो समीम है उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले जिस तरह से शहाबुद्दीन की मौत हुई, उसके बाद काफ़ी सियासत में भी काफ़ी हलचल देखने को मिला। आपको बता दें कि कई जो राजद के जो कद्दावर नेता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बात कर ले कि जिस तरह से सुपुर्दे खाक हो रहे थे पूर्व सांसद, उस वक्त लालू प्रसाद या राजद परिवार से कोई वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए काफ़ी आक्रोश भी है लोगों में। और जिस तरह से यह खबर निकल के सामने आई है कि उनकी जो बड़ी बहन है उनका भी निधन हो गया है, वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हो गया। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।